सो गाइस, कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी, क्योंकि 2 4 दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कहीं बाहर गया हुआ था, इसी कारण से वीडियोस नहीं आ रहे थे फ्रेंड्स। अब से कंटिन्यू वीडियोस बनाऊंगा फ्रेंड्स, और कंटिन्यू वीडियोस आएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अपना डायलॉग, मैं हूँ सौरभ झा और आप देख रहे हैं टैग सौरभ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड मैं आज आप लोगों को बताऊंगा क्रोम स्टूडियो बीटा के बारे में, जो कि बीटा वर्जन कुछ दिन पहले ही मतलब अगले साल ही लॉन्च हो चुका है फ्रेंड। तो उसके बारे में कई सारे वीडियोस बनी हुए फ्रेंड, पर मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा क्या क्या फंक्शंस हैं फ्रेंड्स क्रोम बीटा के, क्रोम बीटा का क्या यूजेस है, क्रोम बीटा में क्या क्या फंक्शन न्यू न्यू आए हैं, अपग्रेड क्या क्या हुए हैं 2020 में, वो सारे फंक्शंस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा फ्रेंड्स, और सब कुछ आप लोग को एक एक चीज़ बताऊंगा फ्रेंड। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। उससे पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में और दिखाते हैं आप लोगों को कैसे यूज़ किया जाता है और क्या क्या है उसके फ्यूचर्स। लेट्स गो। सो गाइज, आ चुके हम लोग मोबाइल के स्क्रीन में। तो चलिए चलते क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर से ओपन होता है फ्रेंड, जो कि मोबाइल यूज़ करते हैं उसके लिए क्रोम ब्राउजर बेस्ट ऑप्शन होता है, इसी से खुलता है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता है क्या करना है, यहाँ यूट्यूब स्टूडियो बेटा वर्जन ओपन कर लेना है। तो चलिए फटाफट ओपन कर लेते हैं यूट्यूब स्टूडियो। आप लोगों को पता है फ्रेंड, तो चलिए ओपन करते हैं यूट्यूब स्टूडियो को। तो फटाफट यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो रहा है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से आप लोगों को जो ऊपर में बटन रहता है इसको क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइड कर देना, इतना तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो जो यूट्यूब क्रिएटर्स है उतना सिंपल सबको पता रहता है फ्रेंड। तो मेन मेन पॉइंट्स की बात करते हैं यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो बीटा के वर्जन। तो फ्रेंड्स, ये आज का हम लोग क्रोम ब्राउज़र यूट्यूब स्टूडियो बीटा के अंदर। तो ये है मेरा एक चैनल जो कि मैंने नया नया ओपन किया था फ्रेंड, इसी के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा हर एक फंक्शन। तो सबसे आप लोग पहले आप लोग बता दूँ, जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है। तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला तीर का जो निशान दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से वीडियो की जाती है अपलोड। ये तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ से वीडियो अपलोड होता है फ्रेंड्स। तो वीडियो अपलोड करके क्या इंटरफेस आता है मैं दिखा देता हूँ। ऐसे आता है फ्रेंड्स, आप लोग का जब भी क्लिक करेंगे सेलेक्ट फाइल का ऐसा ऑप्शन आएगा, वहाँ सेलेक्ट करके आप लोग अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये अपलोडिंग वाला मैं कोई अगले वीडियो में बता दूंगा फ्रेंड्स, अभी मेन मेन जो टॉपिक्स है उनको बता देता हूँ। तो उसके बाद है फ्रेंड्स, आप लोग को जब भी चैनल में कुछ सेटिंग करना होता है या चैनल में मतलब कुछ भी आप लोग को थंबनेल नहीं बोल सकते, जो आप लोग का क्लिक कार्ड जो भी पीछे बैक साइड में रहता है फ्रेंड, वो लगाना मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो कैसे लगाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले ये सेटिंग दिखता है आप लोगों को, सेटिंग में क्लिक करना है। उसके बाद जनरल के नीचे आप लोगों को चैनल दिखता है फ्रेंड, चैनल में क्लिक करना है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक इन्फो मेरा दिखा रहा है, चैनल का नाम जो मैंने टैग्स लगा रखे हैं वो दिख रहा है नॉर्मल, और एडवांस सेटिंग्स दिख रहा है फ्रेंड्स, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ फ्रेंड्स, दिख रहा है फ्रेंड्स एडवांस सेटिंग। यहाँ से होते हैं सब्सक्राइबर हाइट्स, जो भी कुछ होता है ऐसे होते फ्रेंड्स। ब्रांडिंग आप लोगों को दिख रहा होगा, चैनल का ये ब्रांडिंग है। और अपलोड डिफॉल्ट्स, और अपलोड डिफॉल्ट्स का मतलब मैं बता देता हूँ। अपलोड डिफॉल्ट्स में होता है फ्रेंड्स, जो चूँकि आप लोग पहले से अपलोड करके रखते हैं, मतलब डिफॉल्ट में सेट रहता है आप लोग सब कुछ, टैग थंबनेल नहीं सॉरी फ्रेंड, थंबनेल नहीं क्या बोलते उसको, मतलब सारे चीज़ आप लोग लगा कर रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पब्लिक प्राइवेसी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो, पब्लिक प्राइवेट एक्सेट्रा ऑल थिंग्स जो भी होते हैं अनलिस्टेड वाला सेटिंग्स वो भी चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अपना पूरा अच्छे तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये एडवांस सेटिंग में वही सब आता है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस जो आप लोग का नॉर्मल सेटिंग रहता है, कैटेगरी आप लोग का जो रहता है नॉर्मल, ये सब है फ्रेंड्स। तो इस छोड़िए इसके बारे में बात नहीं करते फ्रेंड्स, ये है चैनल सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग, ब्रांडिंग। और मैं आप लोग को बता रहा था फ्रेंड्स, आपका चैनल कैसे कस्टमाइज किया जाए, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो आप लोगों का कस्टमाइज चैनल दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक करना है यूट्यूब बिस्ट। तो फ्रेंड्स ये अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए खुल नहीं रहा है। ऐसे आप लोग कस्टमाइज चैनल में क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग का जो चैनल है मतलब चैनल का जो भी है सेटिंग्स वो खुल जाएंगे, मेरा में खुल नहीं रहा फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए। तो आप लोग करके देख लीजिएगा, मेरा पहले खुलता था फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है पता नहीं जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो ये आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, ये जो रेड अभी दिख रहा है फ्रेंड, एनालिटिक्स इसको कहते हैं एनालिटिक्स, जिसमें कि आप लोगों का चैनल का ग्रोथ कैसा हो रहा है फ्रेंड। ये एक न्यू फंक्शन डाला गया यूट्यूब स्टूडियो बीटा के अंदर, आप लोग चैनल ग्रोथ कैसे हो रहा है फ्रेंड देख सकते हैं। ये जो आप ग्राफ दिख रहा है इसके हिसाब से कैसा ग्रोथ हो रहा है आपका, रियल टाइम व्यू दिखता है फ्रेंड्स आप लोगों का कितना ग्रोथ हो रहा है फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ देख सकते हैं रियल टाइम दिख रहा है, यहाँ पर रियल टाइम लिखा हुआ है, आपका जैसा चैनल होगा वैसे आप लोग ग्राफ में यहाँ दिखाएगा रियल टाइम व्यू। मेरा ये न्यू चैनल है
न्यू चला, जस्ट ऐसे मैंने बना दिया था ऐसे मजाक मजाक में, तो उसी में दिखा रहा हूँ मैं फ्रेंड्स ये सारे सेटिंग्स यूट्यूब स्टूडियो बेटा। और ये जो आप लोग का डॉलर वाला साइन दिख रहा है सबसे लास्ट में, ये डॉलर वाला, ओके ये आप लोग का जो दिखता है फ्रेंड्स 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर जो जरूरत होता है फ्रेंड्स, वो वाला आप लोग का कांटा यहाँ पर दिख रहा है। देखिए 2 सब्सक्राइबर है मेरे, 1000 नीडेड, मतलब 1000 चाहिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए आप लोगों को, जैसे कि पता है मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए यूट्यूब के नियम के अनुसार फ्रेंड। और ये जो वीडियो वाला दिख रहा है, वीडियो पे क्लिक करने से ये आप लोग का वीडियो ऐसे दिख जाता है जितने भी आप लोग का वीडियो रहते हैं फ्रेंड्स। और ये सारे नॉर्मल चीज़ें हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो मैसेज वाला दिख रहा है ये सारे आप कॉमेंट्स दिखते हैं, ये नॉर्मल सारे चीज़ें होते हैं फ्रेंड्स, ये सारे नॉर्मल चीज़ें फ्रेंड्स। और वीडियो का लंबा नहीं करते, ये सब थोड़े मोड़े जरूरी चीज़ें थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है आप लोगों को पता है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स। और मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लाता रहूँगा फ्रेंड्स यूट्यूब के बारे में, टैक्स एंड ट्रिप्स, नॉलेज अनबॉक्सिंग, ऐसे ही हमारे चैनल पे वीडियोस आते रहते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है वीडियो को फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए यूट्यूब स्टूडियो बीटा के फंक्शंस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।